यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाने के यमुना अथॉरिटी के प्लान पर मुहर लगा दी है। योगी ने अथॉरिटी के प्रेजेंटेशन की सराहना की और कहा कि यह सर्वश्रेष्ठ जगह है। इससे पहले सीएम ने बॉलीवुड की तमाम हस्तियों और फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ बैठक भी की थी। फिल्म सिटी के निर्माण के ऐलान से बॉलीवुड के सितारे बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। लाइट कैमरा एक्शन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े ये सबसे अहम तीन शब्द जल्द ही ग्रेटर नोएडा में भी सुनाई देंगे। जी हां, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में फिल्मी दुनिया बसाने की तैयारी को हरी झंडी दे दी है। यमुना अथॉरिटी ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी बनाएगी। सीएम ने अथॉरिटी के प्रेजेंटेशन की सराहना की है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज आहूत बैठक में प्रस्तुतिकरण हुआ और सभी निर्माताओं ने, डायरेक्टर्स ने, फिल्म जुड़े से जगत से जुड़े हुए लोगों ने, वेबिनार से जुड़े हुए लोगों ने इस स्थान को चिन्हित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 1000 एकड़ में सेक्टर 21 में यह बनेगा। यमुना अथॉरिटी के सीईओ के मुताबिक यमुना एक्सप्रेसवे पर सेक्टर 21 में 1000 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का विकास होगा। इसमें 220 एकड़ कमर्शियल एक्टिविटी के लिए आरक्षित होगा। ये मथुरा वृंदावन से 60 और आगरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ फिल्म सिटी के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ 35 एकड़ में फिल्म सिटी पार्क भी विकसित करेंगे। सीएम ने फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स के अलावा सीने जगत के मशहूर हस्तियों के साथ अहम बैठक की और फिल्म सिटी को लेकर सुझाव मांगे। मीटिंग में उन्होंने कहा कि 50 साल की जरूरतों को ध्यान में रखकर फिल्म सिटी का विकास होगा। सीएम के साथ बैठक में अनुपम खेर, सुभाष घई, डेविड धवन, रवीना टंडन, परेश रावल, सतीश कौशिक, मनोज मुंतसिर, कैलाश खेर, उदित नारायण, अनुप जलोटा, मधुर भंडारकर जैसे नामी हस्तियों ने शिरकत की। यूपी में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने और स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए फिल्म सिटी के निर्माण का अहम फैसला लिया गया है। बॉलीवुड हस्तियों के साथ मीटिंग के बाद सीएम ने ट्वीट किया कि आपकी बातें सुनकर मुझे आप सबके अंदर उत्साह और उमंग देखने को मिला। ये मेरे अंतःकरण को प्रफुल्लित करने वाला क्षण है कि शासन की किसी घोषणा को उस फील्ड से जुड़े हुए लोग अंतःकरण से स्वीकार कर रहे हैं। आप सभी शॉर्ट नोटिस पर उत्तर प्रदेश आए, इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यमुना एक्सप्रेसवे पर जहां फिल्म सिटी बनाई जा रही है, वहीं से जेवर एयरपोर्ट भी बेहद पास है, जो जल्द ही तैयार हो जाएगा। इसे मेट्रो, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हाई स्पीड ट्रेन से भी जोड़ने की योजना है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ अच्छी खबरें भी हैं। कोरोना का वायरस कमजोर पड़ रहा है और इसके संक्रमण की दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। उधर आज पीएम मोदी उन राज्यों के सीएम और अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोविड 19 के वायरस ने पिछले 24 घंटों में करीब 75,000 लोगों को निशाना बनाया है, लेकिन यह आंकड़ा पिछले करीब 10 दिनों में काफी राहत देने वाला है, क्योंकि इससे पहले रोज करीब 97,000 नए मरीज सामने आ रहे थे। हालांकि 24 घंटों में मौत के मामलों में राहत नहीं मिली है और ये संख्या अब 1,000 के ऊपर बनी हुई है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में अब तक रिकॉर्ड 1,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जबकि एक्टिव केस अब और कम होते जा रहे हैं। 24 घंटे में 74,903 मामले सामने आए, एक दिन में 1,053 लोगों की मौत। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में अब तक रिकॉर्ड 1,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, जबकि एक्टिव केस अब और कम होते जा रहे हैं। 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 1,01,468 मरीज ठीक हुए। एक्टिव केस की संख्या घटकर 10,00,000 के नीचे आ गई है और अब ये 9,75,000 हो गई। अच्छी खबर यह है कि कोरोना का वायरस अब कमजोर पड़ रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अब तक कोरोना के 24 रूप यानी स्ट्रेन सामने आ चुके हैं, लेकिन अब इसके म्यूटेशन की दर धीमी हो गई है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि अब पहले की अपेक्षा आसानी से और बेहतर वैक्सीन तैयार की जा सकती है। अमेरिका के शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की नई रिसर्च में यह नतीजा सामने आया है। कमजोर पड़ा मामला, म्यूटेशन की दर धीमी, अब तक 24 बार खुद को बदल चुका है वायरस। अब कोरोना वायरस लगभग स्टेबल स्टेज में, स्थिर स्टेज में दवा बनाने में होगी आसानी। 20,000 से ज्यादा नमूनों पर रिसर्च, सबसे ज्यादा फोकस स्पाइक प्रोटीन पर। कोरोना के मरीजों के रिकवरी रेट में तेजी आने से काफी राहत मिली है और भारत अब दुनिया में रिकवरी रेट के मामले में टॉप पर आ गया है। रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 80% हो गई है। मृत्यु दर गिरकर 1.60% हो गई है।
इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 18% हो गई है। इसके साथ ही देश में संक्रमण के कुल मामले 55,62,483 हो चुके हैं, जिसमें कुल मौतों का आंकड़ा 88,935 पर पहुंच गया है। इधर दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सरकार पर 33 बड़े निजी अस्पतालों को कोविड 19 मरीजों के लिए 80% ICU बेड आरक्षित करने के आदेश पर रोक लगाते हुए इसे मनमाना और अनुचित बताया है। कोरोना काल में सोमवार से कई राज्यों में स्कूल खोल दिए गए, लेकिन छात्रों की मौजूदगी ना के बराबर है। कई राज्यों में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए स्कूल खोलने का फैसला टाल दिया गया। जिन राज्यों में स्कूल खुले हैं उनके फीडबैक के आधार पर जल्दी बाकी के राज्य भी स्कूल खोलने का ऐलान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।